हे भोलेनाथ, जब से हमारी बहू रानी यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरे थाने में गई है ना, कुछ अजीब सा लग रहा है हमें। अब आप ही देखिए ना, लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए अब बस हम खुद ही पर इल्जाम लगाते हैं और खुद ही से लड़ते हैं। नहीं, हमें आपकी एक बात नहीं सुननी, आप बस हमारा एक काम कीजिए, कुछ भी करके हमारी बहू रानी को वापस यहाँ लेके आइए। हाँ बस, हाँ पुष्पा जी। अरे पार्वती माँ, आज आप शिव जी नहीं है? पुष्पा जी ओह मैडम सर, वो शिव जी के साथ थोड़ी बात कर रहे थे। एक बात बताइए, आप ये शिव जी को कंफ्यूज नहीं कर रही हैं? हम मतलब आज तक करिश्मा सिंह ने भगवान से क्या मांगा है, क्या चाहा है? यही कि उन्हें एक थाना इंडिपेंडेंटली चलाने का मौका मिले, और अब जब वो मौका मिला है मैडम, तो सिग्नेचर जी, और अब जब वो मौका मिला है तो आप उन्हें वापस बुला रही हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जानते हैं मैडम सर, मगर शायद हमारी लाडली बहू रानी ये नहीं जानती कि थाना चलाना कोई हंसी मजाक खेल का काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और वो वैसे भी नया थाना, नए लोग, नया माहौल, पता नहीं खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएंगी वहाँ। हमें लगता है कि वो एडजस्ट कर लेंगी, हमें आपकी बहू रानी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वो तो हमें भी है मैडम सर, मगर वो महिला पुलिस थाना नहीं है ना, वहाँ तो पुरुष ही पुरुष होंगे उनके इर्द गिर्द, कैसे संभाल पाएंगी पुरुषों को? हाँ तो वो कौन सी महिला है मैडम सर? हमारे कहने का मतलब है पुष्पा जी कि आपकी जो बहू रानी है ना, उनकी सिर्फ पैकेजिंग औरतों वाली है, उनके अंदर से दो चार हट्टे कट्टे पुरुष तो ऐसे ही निकल आएंगे। मैडम सर पेन, डोंट वरी, वो संभाल लेंगे। बिल्कुल सही। और पुष्पा जी आपको पता है, अच्छी बात तो ये है कि करिश्मा मैडम अब अपने स्टाइल से थाना चला सकती है, क्योंकि वहां पे जज्बातों का प्रेशर नहीं होगा ना, तो एकदम खुल के डंडों का इस्तेमाल होगा। सॉरी। तुम ठीक कह रही हो संतोष, करिश्मा सिंह अब अपना थाना अपने तरीके से चलाएंगे। इनफैक्ट हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है करिश्मा सिंह के पास अपनी काबिलियत दुनिया और डिपार्टमेंट के सामने साबित करने का। और जहां तक बात है उस नए थाने की, तो आई एम श्योर कि वहां पर उनका स्वागत उसी तरीके से किया जा रहा होगा जैसे एक ऐसे चौका होना चाहिए। इतना सन्नाटा क्यों है? नए दरोगा जी आया और उनका कोई स्वागत नहीं, शायद अंदर कोई सरप्राइज रखा होगा। दरवाजा खोलो। बंद है, कल आना। थाना बंद है? मैं ये का टोपा गिरी है। अम्मा दरवाजा खोलो। अरे कहाँ ना बंद है, बाद में आना, ज्यादा जल्दी है तो बाजू में महिला पुलिस थाना है, वहाँ चली जाओ। मैया का सासू मैया, इतना मुश्किल से वहाँ से यहाँ आए हैं हम, मैं यहाँ से वहाँ नहीं जाना है। देशतानी देखे दहम का जाके आबत में, थाना है या मोबाइल रिचार्ज का दुकान है कि जब मन किया खोल लिया, जब मन किया बंद कर लिया, थाना है ये, हमेशा खुला रहेगा। और ये क्या टार्जन का औलाद बन के घूम रहे हैं सबकी सब यहाँ पे, दिन दहाड़े अंग प्रदर्शन चल रहा है सबका, कपड़े पहनिए, यूनिफॉर्म पहनिए सबकी सब जल्दी, कोई कायदा कानून नाम का चीज होता है? नहीं होता है। नहीं, वो आज अचानक से सुबह सुबह एकदम आप हमारे थाने में क्यों मैडम? हमारा टोपा होगा
सुबह सुबह 8 बज रहा है। हमारे लिए तो यही सुबह होता है ना मैडम। हाँ तो इस सुबह सुबह का आदत डाल लो, क्योंकि हम रोज इतना सुबह सुबह यहाँ आएंगे और आप सबका इतना सुबह सुबह ड्यूटी लगेगा। क्या समझे कि नहीं समझे? अब नहीं समझे मैडम। समझाते हैं। वर्दी पहन लिया? हो गया मैडम। मुड़े जी, हाँ, मैं इस थाने की नई इंचार्ज करिश्मा से। पढ़ ले। तो उनका लेटर है? उनका किनका? सरकार का। हाँ, सरकार का आदेश है। कोई शक? नहीं मैडम। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी आप सबको थोड़ा शक है? जय हिंद मैडम। जय हिंद। अरे यार चंपक, कपड़े कहाँ रख दिए यार हमारे? यही तो रख कर गया था मैं। जी मैया का सासू मैया, और कितना मोगली घूम रहा है यहाँ पर, सब एक साथ सामने का ही नहीं आते हमारे। ये कौन है भाई? नई इंचार्ज है, वर्दी पहन ले नहीं तो परमानेंट उतर जाएगी। अपना दे दियो। क्या हो गया? एक मिनट मैडम, बस अभी पहन लेते हैं। क्या दुल्हन बन रहे हो क्या? हाँ जी मैडम, हो गया। पैंट कहाँ है? जी पैंट कहाँ है? यूनिफॉर्म की वर्दी में पैंट भी होता है ना, उसके बिना अधूरा होता है ना। हाँ तो कहाँ है पैंट? पैंट कहाँ मिली? अभी यहीं तो रखी। ये रही मैं। पैंट भी मिल गई मैडम, बस एक ही मिनट में पहन लेते। ये का मुसीबत है? परेशानी की कोई बात नहीं मैडम, ये तो हमारे यहाँ का हर रोज का है। वो क्या है कि थाने के पीछे जो रेल की पटरी जाती है ना, जब भी कोई ट्रेन गुजरती है ये हमारा पूरा थाना बेचारा हिल हिला जाता है। अच्छा। और वैसे आपको गारंटी देते हैं मैडम, हाँ थाना कभी गिरने नहीं वाला है हमारा। आप वैसे रिलैक्स होके बैठिए ना आराम से, यहाँ पे तो सब कुछ अंडर कंट्रोल ही है जी। वैसे भी मैं हूँ ना। क्या नाम है तुम्हारा? राज, वीर तोमर, हेड कांस्टेबल राजवीर तोमर जी। वैसे प्यार से तो हमें सब कंप्यूटर बुलाते हैं, आप चाहे तो हमें राज बुला सकती हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब हेड कांस्टेबल राज करके बुला सकती हैं आप चाहे तो। ₹200 मैडम। अरे लड़के, तेरे से थोड़ी ना पैसे लेंगे। हाँ बहुत 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 बढ़िया काम किया, ये लो तुम्हारा इनाम। हाँ। वाह बहुत बढ़िया। इस बोर्ड पर थाना प्रमुख के नाम के आगे पहली बार किसी महिला का नाम लिखा देख रहे हैं। भगवान कसम बता रहे हैं, दिल खुश हो गया हमारा। भगवान से बस यही कामना है कि नाम के नीचे जो है कभी किसी और का नाम ना आ पाए बस। अमा हम 10-15 दिनों के लिए आए हैं यहाँ, टेम्पररी ट्रांसफर हुआ है हमारा,
तुम्हारा बुलबुल पांडे सर ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे और हम वापस चले जाएंगे हमारे महिला पुलिस थाना। क्या? हाँ। मतलब सिर्फ 10-15 दिन के लिए? आपने तो दिल तोड़ दिया मैडम। का? मेरा मतलब सरकार ने दिल तोड़ दिया जी हमारा। एक महिला को थाना अधिकारी बनाकर नारी शक्ति को जो प्रोत्साहित भी किया तो सिर्फ 10-15 दिन के लिए, ये तो गलत है ना। मतलब खटिया, हमारा मतलब है कि मैडम को सिर्फ 15 दिनों के लिए भेजने वाला जो आइडिया है ना, ये घटिया है। नहीं मतलब यहाँ कोई फाइल ढूंढना होगा तो 2 साल पहले फाइलों के सरोवर में कूदना पड़ेगा हमको, हमारे मतलब का मोती चुनने के लिए। करंट केस कौन सा चल रहा है यहाँ पर, उसका फाइल दो हमको। जी ऐसा तो कोई केस है ही नहीं ना मैडम। का मतलब का कोई केस नहीं चल रहा है यहाँ पर, कोई पेंडिंग केस नहीं है मैडम। जब पहले से ही सभी केसों की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है तो कोई पेंडिंग केस तो बचा ही नहीं, सभी केस पहले से सॉल्व हो पड़े मैडम। अरे वो कब करके गए हैं? वो कौन करके गए हैं? वो बुलबुल पांडे, बड़ा ही कमीन, मेरा मतलब जहीन इंसान है। हॉस्पिटल जाते जाते एक एक केस चुन चुन कर सब निपटा कर गए हैं, और मैडम ऐसा निपटा कर गए हैं कि उसके बाद कोई केस थाने में दर्ज ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि फोन पे भी एक कंप्लेन नहीं आया मैडम। केस आएगा कैसे, फोन बजेगा कैसे, तार होगा तो फोन बजेगा ना, कैसे केस आएगा यहाँ पर? घंटा के अंदर अंदर अगर इस थाने का कल पुर्जा बराबर नहीं होगा, चौकस नहीं होगा, तो मैया कसम हम आगे आने वाले 15 दिन सबके झंडुम बना देंगे, समझ में आया? जब भी याद करोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा, का समझे? का ये मुंह फाड़ के का देख रहे हो हमको? अम्मा फोन नहीं बच सकता था, कोई चल के तो आ सकता था इंसान, कोई इंसान तो आया होगा कभी। लो नाम लिया और आ गया, आइए आइए, क्या नाम है आपका? का नाम का है आपका? सुंदर। सुंदर तो बहुत है। अरे नाम बता रहे हैं हम। हाँ मिस्टर, मिस्टर सुंदर। तो सरस्वती। अच्छा मिस्टर सुंदर सरस्वती। पाल। पाल। और भी आगे कुछ आने वाला? नहीं जी बस। बस इतना ही है? अच्छा मिस्टर सुंदर सरस्वती पाल जी, आप बिल्कुल घबराइए मत, आप एकदम सही पते पर आए हैं। आपको जो भी समस्या है ना आप हमको बताइए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, डंके की चोट पे दिलाएंगे। आप हमें बस अपनी समस्या बताइए, आइए हमारे। देखिए सुंदर सरस्वती पाल जी, नाम तो हमारा सुंदर पाल है, सरस्वती हमारी माँ का नाम। वो क्या है नाम, जो कुछ भी है अपनी माँ के आशीर्वाद से, तो अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम रखते हैं, सुंदर सरस्वती पाल। वाह क्या बात है। नहीं मतलब आप जैसे लोग आजकल के जमाना में देखना बहुत कम मिलते हैं ना, आपके जो विचार है हमको बहुत अच्छे लगे। अब बताइए आपका क्या समस्या है? मैडम जी हमारी माँ ने हमें औरतों का सम्मान करना सिखाया, हमने किया, हमेशा दिल से सम्मान किया, और आज एक औरत हमारा मान सम्मान लूटने पर तुली हुई है। ये देखिए, देखिए क्या किया हमारे साथ। देखिए देखिए क्या किया उसने, देखिए। कौन है ये औरत, किसने ये हाल किया तुम्हारा, क्या नाम है उसका? डॉली शर्मा। संतोष जल्दी फाइल लेकर आओ। हाँ ला रही हूँ कुछ भी। अरे मैडम, एक मिनट मैडम। मैडम कहाँ चला गया? मैडम कहाँ? हेलो चीता यार, हेल्प करना चीता। घर पहुँच जाइएगा, उधर से आइए आप। आप कौन है, क्या नाम है आपका? मैडम सर सिंगम। उठाइए उठाइए सब उठाइए।
क्या क्या हुआ आपको? मेरा नाम डॉली है और मैं बता रही हूँ कि मैंने किसी का मुंह नोच लिया है। मुंह नोच लिया? किसका? उसी कुत्ते का। मैडम मैडम बताइए, अब जब कुत्ता वाला हरकत इंसान करे तो वो सब क्या करेगा बेचारा? नहीं, कुत्ता का मुंह नोचना वा। फाइल रखते हैं हम। आप आइए, आप बैठिए, यहाँ आराम से बैठिए। हर जगह फाइल्स गिरा दी, ये लो बैठिए। आइए आइए, आप बैठिए प्लीज, रिलैक्स बैठिए। चीता, बदनाम के पास से इनके लिए चाय ले आओ। मैडम सर, आप बार बार भूल जाती है, बदनामुआ का जहरीला चाय हम लोग बहुत पीछे छोड़ा है, हम लोग का थाना शिफ्ट हो गया है। हाँ, हमारी गलती है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, जहां से भी चाय लेकर आते हो वहां से इनके लिए चाय ले आओ। ठीक है मैडम, लाते हैं संत जी। जी बताइए, ऐसा क्या हो गया कि किसी का मुंह नोचने तक की नौबत आ गई? उसी लायक था वो, थोड़ी देर और सामने होता ना तो उसका पूरा मुंह नोच लेती मैं। मेरी जिंदगी नर्क बना दी है उस घटिया इंसान ने। घटिया आदमी, गुस्सा आता है ना बहुत। आपको पता है मेरे क्वार्टर में ना मेरा जो दरवाजा है कुचुर 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 कर रहा है, लेकिन वो घटिया आदमी संतो, ये मामला थोड़ा अलग है। हाँ तो डॉली, क्या नाम है इस आदमी का? सुंदर सरस्वती पाल। आपने तीन तीन आदमियों का मुंह नोचा है। वो एक ही आदमी है, सुंदर सरस्वती पाल। मैडम जी, हमारा पब्लिकेशन हाउस रजो पब्लिकेशन, नाम तो सुना ही होगा आपने। सोसाइटी में नाम है, रुतबा है, इज्जत है हमारी, करोड़ों का टैक्स भरते हैं हम। अरे बड़े बड़े राइटर छापे हैं हमने। एक दिन ये औरत हमारे ऑफिस में आई, बोली जॉब चाहिए, प्रूफ रीडिंग की जो। अरे इंटरव्यू लेते ही समझ गए थे हम, ना इसके पास क्वालिफिकेशन है ना एक्सपीरियंस है, पर बोली नौकरी की सख्त जरूरत। जरूरत थी मैडम, डिवोर्स के बाद मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी और इस जॉब से मुझे वो सब कुछ मिल रहा था। पर जब उस कमीने को पता चला कि मैं डिवोर्सी हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि वो मेरी तकलीफ समझ सकता है, क्योंकि उसकी खुद की माँ भी डिवोर्सी थी। मुझे लगा एक ही पत्थर से चोट खाए दो लोग शायद एक दूसरे के दर्द को बेहतर समझ सकते हैं। मुझे वो आदमी अच्छा लगा, पर मैं गलत थी। उस पर भरोसा करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ दिन तो ठीक चला मैडम, फिर एक दिन डॉली मेरे कैबिन में आई। उसने मुझे प्रमोशन ऑफर किया, मैं बहुत खुश हो गई। पर जब उसने कहा वो मुझे प्रमोशन तो दे देगा, पर उसके बदले उसे मुझसे क्या मिलेगा, तब मुझे उसके असल मंसूबे का पता चला। तो फिर तुमने क्या किया? जो करना चाहिए था। हमने प्रमोशन देने से मना कर दिया। हमने कहा भाई अभी तो नौकरी लगी है, कहां से देंगे प्रमोशन? बस ब्लैकमेलिंग पे उतर आई, बोली कि हमें आते हैं तरीके मनवाने। कैसे कैसे तरीके? उसने पूरे ऑफिस में बात फैलानी शुरू कर दी कि मैं गलत लड़की हूँ, कैरेक्टरलेस हूँ, काफी लोगों के साथ मेरे अफेयर्स हैं और इसीलिए मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दिया। ऑफिस के सारे मेल कलीग्स मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते थे, पर अब सब मुझे दूसरी नजर से देखने लगे। डॉली डॉली, रिलैक्स, शांत हो जाओ। संतोष, पानी। पुष्पा जी, जरा पानी दीजिए प्लीज। जी हम लाते। एक बात बताओ डॉली, तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो कि ये काम सुंदर पाल का ही है? ये लो। क्योंकि उसने आज भी मुझे बुलाया था अपने केबिन में और कहा अभी भी वक्त है, ऑफर एक्सेप्ट कर लो वरना तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मेरे केबिन में आए और उसने वही जिद पकड़ ली, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए। हमने कहा चुपचाप यहाँ से जाओगे या सिक्योरिटी बुला के ऑफिस से बाहर निकाले तुम? बस इतना कहना था, चुड़ैल बनकर सवार हो गई हम पर। अरे नाखून मान मार कर देखिए क्या हाल किया हमारे चेहरे का, देखिए। अच्छे भले चेहरे को खराब कर दिया उसने और ऊपर से धमकी देके गई, पुलिस में जाके कंप्लेंट करेगी। माफ कीजिएगा मैडम, औरतों का बहुत सम्मान करते हैं लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस औरतों की ही सुनती।
अपना औरत होने का फायदा उठाकर हमें बर्बाद करना चाहती है। क्या सोच रही है मैडम? यही कि अभी तक चीता चाय लेकर क्यों नहीं आया है ना मैडम सर, राइट? आपके पास अपने बॉस के खिलाफ कोई सबूत है? नहीं, पर मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसका एक एक लफ्ज सच और सिर्फ सच है। आपकी खामोशी बता रही है आपको हमारी बात पे यकीन नहीं। आखिर हैं तो आप एक औरत ही ना, मर्द को सही कैसे मानेंगे? नसीब बहुत अच्छा है तुम्हारा कि हमारा इस थाने में आज पहला दिन। हम नहीं चाहते कि पहले ही दिन हमारे हाथों ना कोई अस्पताल पहुंच जाए, नहीं तो इतना घटिया इल्जाम जो तुमने अभी लगाया ना, इसके बाद तुम अपने दोनों पैरों पे जो खड़े हो ना, ये तुम्हारा नसीब। नहीं तो अभी हॉस्पिटल में ना डॉक्टर ऐसा डिस्कशन कर रहे होते कि क्या करें हम इसके साथ, इसका ऑपरेशन करें या इसको तोड़कर दोबारा बनाया जाए। वाह, क्या डायलॉग मारा मैडम। रहा बात इंसाफ का ना, तो इंसाफ जेंडर देखकर नहीं आता है, वो हकदार देखकर आता है। अगर तुम्हारा बात में रत्ती भर का भी सच्चाई है ना, तो तुमको इंसाफ मिलेगा। और हम वादा करते हैं तुमसे कि हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे, डंके की चोट पे दिलाएंगे। और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। हम जानते हैं डॉली, हमें पूरा यकीन है कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। घबराओ मत, तजुर्बा कहता है हमारा कि सच के पास खुद को साबित करने के लिए कभी सबूत नहीं मिलता, क्योंकि सारे सबूत तो झूठ को साबित करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन सच सूरज की तरह होता है, जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है। तुम्हारा सच भी सामने आएगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, हम उस मुजरिम को पकड़ेंगे भी, और तुम्हें तुम्हारी नौकरी भी वापस मिलेगी, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। ये हमारा तुमसे वादा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।